आप मुझे एक चीज बताइए, रामू, संदीप, लवकुश और रवि अगर होंगे तो वहां पर तो पहुंच जाएंगे, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राकेश टिकैत भी, लेकिन आरिफ होगा, करीमुद्दीन होगा या फिर इसके अलावा सोहेल होगा तो कोई नहीं बोलेगा। भारत, डियर फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं कुछ नेशनलिस्ट मुस्लिम को, इनमें डॉक्टर रिजवान अहमद लखनऊ जैसे लोग हैं जो रोज ही रोज विद प्रूफ कैसे नफरती कठमुल्लाओं मौलानाओं की रोज थट्टियां उड़ाते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, बलात्कार मतलब बलात्कार, और शर्म भी शर्मा जाए, विपक्ष का रवैया इतना शर्मसार कर देने वाला है। आप मुझे एक चीज बताइए, रामू, संदीप, लवकुश और रवि अगर होंगे तो वहां पर तो पहुंच जाएंगे, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राकेश टिकैत भी, लेकिन आरिफ होगा, करीमुद्दीन होगा या फिर इसके अलावा सोहेल होगा तो कोई नहीं बोलेगा। दलित की बेटी, दलित की बेटी, दलित की बेटी, बहुत प्यार है दलितों से। नागौर में फरवरी 2022 इसी साल एक बेटी दलित बेटी का बलात्कार हो गया, दलित बेटी के बलात्कार से हर किसी के बीच में बोलने का लाइसेंस है इनके पास? मुझे बताइए, देश में समाज में क्या परोस रहे हैं? इन्होंने आपने शुरुआत में 5 मिनट इनको दिया, क्या ये नहीं रख पाई अपनी बातें? अगर नहीं बचती अपने टाइम में बोलना तो बता दीजिए ना, अपना चरित्र मेरे साथ बात नहीं मैं मान रहा हूं। आप अगर नहीं अपने टाइम में अपनी बात रख सकती तो अलग से YouTube चैनल चला लीजिए ना। इतना ये कहना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू नाम होंगे मेरे लिए, आपके लिए, अमीश जी आपके लिए भी सब बलात्कारी तो बलात्कारी है ना। इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि बलात्कारी अगर मुसलमान है तो ये लोग अपने आप में बिल्कुल मुंह में दही जमा कर बैठ जाएंगे, बलात्कारी अगर मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो सारे वहां पर पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से बलात्कारी बलात्कारी है, उसको सजा होनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं अंत में 10 सेकंड और आपसे लेना चाहता हूं। अमीश जी, आपने सुबह एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि यह महत्वपूर्ण होगा कि देखिए अब कौन जाता है देखने, उस बच्ची के पास जाने तक इनके लिए इतना समय नहीं है? राजस्थान में जो बार बार डेटा की बात हो रही है वहां पर सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। अच्छा चलो भाई, देखो अपने क्या कर, फरवरी में दलित महिला का बच्ची का बलात्कार हुआ या कुछ क्या जरूरत है आपको राजनीति की? बलात्कारी के बाद जाएंगे कि नहीं, विशेषता है इसकी, आज जाएंगे ठीक है, वो जो मुस्लिम लोगों ने ये किया है उस पर जाएंगे कि नहीं? भाषण मैं जिससे पूछूंगा सवाल वही जवाब दे। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूँ। रिजवान अहमद, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक वर्ड पे बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, दलित दलित दलित। मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूं, आज जरूर आपसे पूछ रहा हूं, मेरी नजर में रेप रेप होता है, इसमें धर्म जाति नहीं देखनी चाहिए। बार बार कहा जा रहा है कि दलित लड़की का रेप हो गया, दलित लड़की का रेप हो गया, रेप रेप है, चाहे वो अंकिता के साथ हुआ हो या फिर वो लखीमपुर की बच्ची के साथ हुआ हो। माफ करिए, अंकिता के साथ रेप नहीं हुआ था, उनको जिंदा जलाया गया था पेट्रोल डालकर। किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो, गलत होती हैं, उसमें धर्म और जाति नहीं देखी जाती। लेकिन इस देश में सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है कई विषयों पर, ऐसा क्यों होता है? आप पेशे से वकील हैं, अदालतें तो ऐसे नहीं देखती जी। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, दलित बोलने का, दलित महिला का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। पर अगर दलित बोल रहे हो तो साथ में ये भी बता दो कि बलात्कार किया किसने है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है वो ये बनता है, दलित महिला का बलात्कार 4-5 मुसलमानों ने कर दिया, या दलित महिला का बलात्कार किसने कर दिया। और अगर तुम मुसलमानों का नाम या मुसलमान मुंह से बोलने को तैयार नहीं हो तो आपको दलित बोलने का भी हक नहीं है। फिर आप पूरे इस कांड को, पूरे इस बलात्कार को बिल्कुल धर्म से अलग कर दीजिए। तो एक तरफ चलिए, चाहे दलित बोलिए तो मुसलमान भी बोलिए, और मुसलमान नहीं बोलना तो दलित भी ना बोलिए। पहली, अलका लांबा जी, आपको बीच में बोलने की आदत है या कांग्रेस में यह सिखाया गया है आप लोगों को? अलका लांबा, 30 सेकंड में दे रहा हूं। क्या बोला तूने? कि जब बेटियों के बलात्कार पर कोई राजनीति करे आदमी, वो भी भाजपा के बलात्कारी जिनके गले में हार डालते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें बेनकाब करिए, उन्हें शर्मसार करिए। कि देखिए हंस रहे हैं, अरे उन बेटियों के माँ बाप देख रहे होंगे जिनकी बेटियां बलात्कार करके पेड़ से टांग दी गई, वो आपकी रावण जैसी इस बेशर्मी वाली हंसी को देख रहे होंगे। भाई मजा आया, अरे थोड़ी संवेदन, मालूम नहीं आप पिता बेटी के हैं या नहीं है, लेकिन जो बेटियों के पिता पैदा कर लेते, ऐसी अंकिता के लिए भी ये दर्द पैदा कर लेते अपने अंदर,
अरे आप अजीब औरत हो, औरत का धर्म देख के आपकी भावनाएं जागती हैं। ठीक है, एक सेकंड। जी जी जी, अलकलाबा का जवाब, अलकलाबा का जवाब। जी जी, गिरफ्तारी की आपने, गिरफ्तारी की आपने। बेटुन बेटी के पिताओं के जख्मों पर नमक रगड़ रही होगी जो भाजपा के समर्थक एक बार भी योगी मोदी। अरे मैं बता दूं, मैं बता दूं, राहुल गांधी आपने बिल्किस की लड़ाई हमारे लिए लड़ी क्योंकि आपको ये लग रहा था कि गुजरात में पॉलिटिकली आपका नुकसान ना हो जाए। अरे आपने बिल्किस की लड़ाई गुजरात में इस बार नहीं लड़ी क्योंकि आपको लग रहा था आपका पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बहरूपिया है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।